आप जब परिवार के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, तो कांग्रेस कह रही है जान के आपने जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस के बारे में, दोनों सदनों में जो आपने स्पीच दिए, राज्यसभा में लोकसभा में, वहां पर आपने नेहरू जी के स्पीचेस पर बहुत तवज्जो दी, और यही दिखाने के लिए कि नेहरू जी ने भी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोदी जी अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है कंट्रोवर्सी, हालांकि आपका जो आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो परिवार के ऊपर नहीं था। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माता जी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है, और सरकारें कंटिन्यूटी होती है, और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है, और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। प्रधानमंत्री जी, 2014 से आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, अब वो 60 से कम सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 4 पर हैं, तो आप इतना वक्त क्यों लगा रहे थे अपने स्पीच में कांग्रेस के ऊपर? पहली बात है कि देश की जो आज हालत है उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कांग्रेस की धारा है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। अब जब कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पसंद नापसंद के आधार क्या है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें, और जब मैं कांग्रेस मुक्त भारत कहता हूं तब कांग्रेस की संख्या से मेरा लेना देना नहीं है। अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है वो, कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने जो राजनीति में की चरित्र की मुख्य धारा बनाई हुई है वो देश को तबाह कर रही है। अगर अच्छी कार्यशैली होती है, अच्छे तौर तरीके होते हैं, तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता, बहुत रुका हुआ, ठहरा हुआ, जनता ने कुछ कर लिया तो कर लिया, ये हुआ है।